क्या तुम्हें भी फ्री में डायमंड चाहिए? जो ये चाहिए, जो ये चाहिए, जो ये चाहिए। हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इस वीडियो में एक रिडीम कोड छुपा के रखा है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले कुछ नए अपडेट्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्री फायर OB47 अपडेट में हमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, क्लॉक टावर का पूरा रिव्यू करवा दिया था। मतलब क्लॉक टावर में कितना खतरनाक अपडेट आया है और उसके कोने कोने का रिव्यू मैंने तुम्हें करा दिया था। वो वाली वीडियो जाके देख लेना यार क्लॉक टावर में, क्योंकि बहुत ज्यादा ही बड़ा अपडेट आने वाला है। और पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें कोई टू नाइट अपडेट के बारे में नहीं बताया था और फिर भी गेम में एक अपडेट आ गया, तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में। तो हम लोगों को जो गेम के अंदर एक फैडेड विल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ओरियन की स्पेशल वाली स्किल है, ये वाला फैडेड विल हम लोगों को कल देखने को नहीं मिलेगा अगर तुम लोगों ने अभी तक ये वाली स्किन नहीं निकाली है। मतलब स्किल की स्किन नहीं निकाली है तो अभी निकाल लेना। देखो मैंने नहीं निकाली है पर डायमंड बहुत है मेरे पास। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तुम लोगों को पता होगा 4 दिसंबर को हमारा नेक्स्ट OB47 अपडेट आने वाला है और इसी अपडेट में हम लोगों को एक गन, एक नहीं दो गन में बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा ये एक्समेट, ये ऑग क्या हेडशॉट लगते हैं इसके, लेकिन इसमें एक ही बुरी बात है कि हमको केवल 2x स्कोप देखने को मिलता है इसमें। तो अब अपडेट के बाद से हम लोग इसमें 4x स्कोप भी लगा सकते हैं। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो ये ऑग जो आग लगा देती है, इसमें हम लोगों को 4x देखने को मिल रहा है। अब तुम लोग किसी की भी खोपड़ी दूर से ही फोड़ सकते हो। स्कोप की बात चली रही है तो स्कोप से रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट और है, जो स्कोप का आइकन होता है उसके अंदर शो करेगा कि ये वाली गन के अंदर कौन सा स्कोप लगा है। जैसे कि ये देखो ये वाली गन के अंदर 2x स्कोप लगा हुआ है तो इसमें 2x भी लिखा हुआ है, और ये वाली गन के अंदर 4x स्कोप लगा है। तो ये एक छोटा सा डिटेल था, छोटा सा अपडेट था जो मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि स्कोप के आइकॉन पे लिखा हो कि कौन सा स्कोप लगा हुआ है। वैसे AWM के स्कोप में हम लोगों को 8x स्कोप लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो मतलब AWM में 8x स्कोप लगा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट व्हीकल के बारे में। हमारे गेम के अंदर एक नया व्हीकल आने वाला है, मैंने तुम्हें बताया भी था, तो उसका लुक हम लोग देख लेंगे। बाकी ये वाली व्हीकल हम लोगों को मैप के अंदर 3 जगह पर देखने को मिलेगी। जैसे तुम लोग मैप ओपन करोगे तो वहां पर किसी भी रैंडम 3 जगह पर तुम लोगों को एक व्हीकल का साइन देखने को मिलेगा, और ये 3 जगह पर ही तुम लोगों को व्हीकल देखने को मिलेगी। हालांकि इस व्हीकल को तुम्हें स्पॉन करना पड़ेगा खुद से। देखो एक ऐसा सिंबल बना हुआ है, यहां पर यूज का बटन है, तो उसको दबाओगे तो ये अपने आप स्पॉन हो जाएगी। अब तुम लोग पूछोगे भाई माइलेज कितने का देती है? 113 किलोमीटर स्पीड है इसकी, और इसको तुम लोग एक बार स्पॉन करने के बाद दोबारा से भी स्पॉन कर सकते हो। इसका कूल डाउन का टाइम रहता है, जैसे एक बार तुमने यूज पे क्लिक किया उसके बाद तुम 25 सेकंड के बाद वापस से उस गाड़ी को स्पॉन कर सकते हो। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, तुम्हारी पुरानी वाली गाड़ी वापस से गायब नहीं होगी। तो टेंशन मत लो यार, तुम्हारे स्क्वाड में 4 बंदे हैं, तुम 5 गाड़ी स्पॉन करो, 4 लोग चलाने के लिए और एक जिसको नहीं चलाना हो। अब मैंने अपनी थोड़ी क्यूरियोसिटी को यूज करके एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी को स्पॉन करने की कोशिश करी, पर ऐसा नहीं होता है। और गाड़ी को फोड़ने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी ने जीप फोड़ दी हो। तो अब जैसे तुम लोग मैप ओपन करोगे तो उसके अंदर तुम लोगों को कुछ गिफ्ट वाले आइकॉन देखने को मिलेंगे। तो ये आइकॉन्स के पास में जैसे ही तुम जाओगे वहां पर तुम्हें गिफ्ट का बॉक्स मिलेगा। ये गिफ्ट का बॉक्स आई थिंक सेंटा क्लॉज रखे गया है। तो इस गिफ्ट के बॉक्स को ओपन करने के बाद तुम्हें बहुत सारी लूट मिलेगी उसके अंदर से, और ये बॉक्स जैसे ही तुम लोग ओपन करोगे उसके ऊपर का जो ढक्कन रहता है वो हट जाएगा और बॉक्स खुल जाएगा। उसके अंदर से बहुत सारी चीजें हमें मिलेगी। देखो ऐसे ही कुछ रहने वाला है, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें मिलेगी जैसे कि 3 लेवल का वेस्ट हो सकता है, कुछ मेडिकेट वगैरह मिल सकती है। देखो इसके अंदर ऐसा कुछ ज्यादा खास आइटम तो नहीं मिलता है, कभी कभार बीजन गन भी मिल जाती है। पर अगर तुम लोग स्टार्टिंग में इसके पास कूदोगे तो तुम्हारे पास काफी अच्छी लूट होगी और तुम लोग पहले ही बंदों को निपटा सकते हो। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि विंटरलैंड की थीम पर हम लोगों को एक नई वेटिंग लॉबी देखने को मिलेगी, तो ये वेटिंग लॉबी हम लोगों को कुछ ऐसी देखने को मिलने वाली है। इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा दिया है पिछली वाली वेटिंग लॉबी से, मतलब जो ब्रीथ है उसको बढ़ा दिया गया, लेंथ तो आई थिंक उतनी ही है। अब हमारा OB47 अपडेट तो आता ही रहेगा, उससे रिलेटेड तो हम लोग वीडियोस में बात करते रहेंगे। पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कैसे इवेंट के बारे में, कैसे कोलैबोरेशन के बारे में, जो कि हमारे गेम के अंदर नवंबर के महीने में ही देखने को मिल जाएगा। फ्री फायर एक्स ब्लू लॉक कोलैबोरेशन, जिसका एक पोस्टर निकल गया है, ऐसा एक रिंग इवेंट हम लोगों को जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। इसका कंफर्म डेट भी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। इस रिंग इवेंट का नाम रहने वाला है इसागी रिंग इवेंट। तो इसके अंदर हम लोगों को एक बंडल देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ हम लोगों को इसके अंदर एक इमोट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी सही इमोट रहने वाला है, और साथ में एक ग्लू वॉल की स्किन भी देखने को मिलेगी। इस रिंग इवेंट के बारे में हम लोगों ने पिछली काफी वीडियोस में बात कर ली है, पर अभी मुझे पता चल गया इसका कंफर्म डेट कि कब तक हम लोगों को अपने गेम के अंदर ये वाला रिंग इवेंट देखने को मिलेगा। तो इसका कंफर्म डेट है 20
21 नवंबर, 21 नवंबर को हम लोगों को ये वाला रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ 23 तारीख को भी हम लोगों को एक और रिंग इवेंट देखने को मिलेगा हमारे गेम के अंदर, जिसके अंदर टोटल 4 स्किन रहने वाली है और 4 लेजेंडरी स्किन्स रहने वाली है। इन 4 स्किन्स में 2 स्किन रहेगी M1014 की और 2 MP5 की स्किन रहेगी, और इसके एट्रीब्यूट्स काफी सही रहने वाले। वैसे तुम्हें पता होगा ये इंक्यूबेटर में भी आ चुकी है, और जो भाई लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि इंक्यूबेटर रिटर्न में आएगा तो वो तो नहीं आने वाला, पर रिंग इवेंट के अंदर हम लोगों को इंक्यूबेटर की गन स्किन्स देखने को जरूर मिलने वाली है। और लिटरली यार गेम के अंदर काफी सारे रिंग इवेंट्स आने वाले हैं, उसके बारे में भी अभी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। पर अगर ये वाला रिंग इवेंट तुम लोगों को पसंद आया तो थोड़ा सा तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 23 तारीख को ये रिंग इवेंट हमारे गेम के अंदर आने वाला है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके हम लोग वो सारे रिंग इवेंट्स देख लेते हैं, वो सारे फेडेड व्हील देख लेते हैं जो हमारे गेम के फाइल के अंदर ऐड हुए हैं। हाँ, तो जो सबसे पहले हमारे गेम के अंदर फेडेड व्हील आने वाला है, उसके अंदर हम लोगों को एक इमोट देखने को मिलेगा, जो कि इसी बुया इवेंट में देखने को मिलेगा। इस इमोट का नाम रहने वाला है हूज द बुया चैंप, और ये इमोट मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अब रही बात की ये वाला फेडेड व्हील हमारे गेम के अंदर कब तक देखने को मिलेगा, तो ये वाला फेडेड व्हील हम लोगों को परसों यानी कि 17 तारीख को देखने को मिलेगा। तो मैंने तुम्हें आज का टू नाइट अपडेट तो बता ही दिया, साथ में कल का भी टू नाइट अपडेट बता दिया, मतलब 17 तारीख को हमारे गेम के अंदर क्या देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड के बारे में। इसके अंदर हम लोगों को 4 लेजेंडरी ईवो गन स्किन देखने को मिलेगी, एक तो ड्रैको AK देखने को मिलेगी, मैगलाडॉन स्कार देखने को मिलेगी, ड्रैको M1014 देखने को मिलेगी और ड्रैको M4A1 भी देखने को मिलेगी। तो ये 4 स्किन हम लोगों को जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने को मिलेगी, जल्दी तो नहीं पर 1-2 महीना लग सकता है। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारे गेम के अंदर काफी सारे फेडेड व्हील, काफी सारे रिंग इवेंट आने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड एक फेडेड व्हील की इन्फॉर्मेशन और निकल के आ रही है, जिसके अंदर हम लोग एक अराइवल एनिमेशन देखने को मिलेगा, एक स्काई विंग की स्किन देखने को मिलेगी, एक ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिलेगी। मेन आइटम्स तो यही रहने वाले हैं, पर काफी अच्छा फेडेड व्हील रहने वाला है ये वाला भी। वैसे ये वाले फेडेड व्हील के अंदर हमको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, वही कुछ पुरानी चीजें हैं, पर जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग निकाल सकते हैं इन चीजों को वापस से। इसके अलावा एक और फेडेड व्हील है जिसके अंदर हम लोगों को काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, एक ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिलेगी, एक स्कार्फ देखने को मिलेगा, साइड की स्किन देखने को मिलेगी, तो काफी अच्छी चीजें हैं। इसमें सर्फ बोर्ड की स्किन भी रहने वाली है, तो ये वाला फेडेड व्हील भी जल्दी हमारे गेम के अंदर हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कुछ सर्वर्स में पहले ही आ चुका है, तो हो सकता है हमारे सर्वर में भी जल्दी ही देखने को मिल जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो ब्लू लॉक कोलैबोरेशन के अंदर हमको फेडेड व्हील देखने को मिलने वाला है, उसके अंदर हम लोगों को एक फार्मस की स्किन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इवेंट दूसरे सर्वर का है, तो हो सकता है हमारे सर्वर के अंदर कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिल जाए, या तो वो फेडेड व्हील में देखने को मिलेगी, या तो वो रिंग इवेंट में देखने को मिलेगी, और कुछ कुछ आइटम जो सारे आइटम होते हैं वो हमें फ्री में मिल जाएंगे। बाकी ये वाले फेडेड व्हील के अंदर हम लोगों को काफी अच्छे आइटम्स देखने को मिल रहे हैं, लूट बॉक्स की स्किन है, फार्मर्स की स्किन है, कॉस्ट्यूम देखने को मिल रहा है, गन स्किन मिल रही है, तो ऐसा कुछ फेडेड व्हील अगर हमारे गेम में भी देखने को मिल जाए तो अच्छी बात होगी। बाकी इस कोलैबोरेशन के अंदर हम लोगों को काफी सारे आइटम्स भी फ्री में मिलने वाले हैं, कुछ आइटम्स हम लोगों को इवेंट में देखने को मिलेंगे, कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे उसके बदले में हम लोगों को आइटम मिल जाएंगे, और साथ में फ्री फायर एक्स पुष्पा 2 कोलैबोरेशन भी बाकी है, तो उससे रिलेटेड भी काफी सारे आइटम्स हमको फ्री में मिलने वाले हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को फ्री आइटम्स के बारे में वक्त से पहले ही ताजा खबर मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एंड आई होप तुम लोगों ने अभी तक रिडीम कोड रिडीम कर लिया होगा, नहीं करा तो जल्दी से जाके करो, नहीं तो और कोई कर लेगा। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।